हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं CS3 एनिमेशंस। तो ये हमारा वीडियो नंबर 6 है और यहाँ जो आप एनिमेशन देख रहे हैं तो ये सब यहाँ क्रिएट किए गए हैं, आप भी ऐसा बना सकते हैं। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा एनिमेशन 6 यानी ट्यूटोरियल 6 कह सकते हैं आप। तो यहाँ हमने एक डिव ले लिया है आउटर बॉक्स के नाम से। CSS आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ CSS रखता हूँ, इसको पब्लिक के फोल्डर में एक CSS फोल्डर है, उसके अंदर CSS मैंने लिखा हुआ है इसका। और हम एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक आउटर बॉक्स, उसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो देखते रहिएगा दोस्तों, काफी कुछ यहाँ से समझ में आने वाला है। तो मैंने एक इमेज ले लिया, इमेज मैंने पहले से सेव की हुई है पब्लिक में, इमेज नाम का फोल्डर है उसके अंदर मैंने इमेज रखी है। तो मैं ले लेता हूँ एरोप्लेन 03 करके .png की इमेज। तो आप देख पा रहे कितनी शानदार इमेज है। इमेज आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते, आप कहीं से मतलब ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, वहां से आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं एक क्लास लेता हूँ क्योंकि हमें क्लास भी देनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो जरूर देखें, वहां मैंने एनिमेशंस की जो प्रॉपर्टीज है वो वहां पर बताया हुआ है, मैंने एक आइडिया दिया है आपको, बेसिक आइडियाज। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्लाइंग एन एरोप्लेन इन द स्काई। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ माई प्लेन नाम की एक क्लास। तो ये क्लास में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें विड्थ हाइट पोजीशन कैसे देंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो विड्थ और हाइट दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, ये पोजीशन बार पोजीशन भी बता चुका हूँ मैं। और ये लेफ्ट हम ये दे देते हैं मार्जिन, पोजीशन दे देते हैं। तो पहले ये सेट कर लेते हैं हम जो आउटर बॉक्स ले रहे हैं। आउटर बॉक्स मतलब कौन सा है, जिसके अंदर हमने एक बॉर्डर दिया हुआ है नीचे वाला, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स था जिसको मैंने एक बॉर्डर दिया था। उसके अंदर हमने एरोप्लेन वाली इमेज को डाल दिया है और इसकी जो पोजीशन है एरोप्लेन की वो ले ली हमने एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट क्या होगा, जो हमारी डिव होगी मेन आउटर डिव, उससे उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा लेफ्ट राइट, ठीक है। तो देखिए वो 0 पॉइंट पर, अगर आप देखें उसको 0 पर, तो वो इस डिव के जो टॉप कॉर्नर है वहां पर ये डिफॉल्ट आ गया था। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसकी लेफ्ट और लेफ्ट 0 रख लेता हूँ और बॉटम को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो बॉटम पर ले आता हूँ ये इस तरह से। तो दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये सारे कोड आपको मिल जाएंगे, गिटहब पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे HTML CSS और HTML 5 और CSS3 के 2 ट्यूटोरियल है मेरे पास बिगनर के, वो आप जरूर देखें। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आई थिंक आप वेब डिजाइनिंग भी सीख जाएंगे। उसी के हिसाब से मैं वीडियोज बना रहा हूँ और ये एनिमेशन का अलग मैंने क्रिएट किया एक ट्यूटोरियल। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट, इसको देख लेते हैं पहले, लेफ्ट -23 एक्स लेके देख लेते हैं। और बॉटम यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सेट करना चाहते हैं इसको, इमेज को। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आपने देख रहे हैं लाइन कहाँ से आई, तो मैं फिर बता देता हूँ। आप अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक मैंने बॉक्स लिया था यानी कि एक डिब, उसमें जो ऊपर देख रहे हैं आप बॉर्डर दे रखा है मैंने, बॉर्डर बॉटम। तो अगर आप बॉर्डर बॉर्डर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और बॉर्डर पर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं दोनों ट्यूटोरियल्स का, ठीक है। उसमें वेब डिजाइनिंग के तरीके बताए हैं मैंने, कुछ किस कैसे चलना है वो शुरू नहीं किया, अभी शुरू करूंगा, बेसिक शुरू किया अभी अपने, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ की फ्रेम्स, और की फ्रेम्स में मैंने क्या किया, एनिमेशन का एक नाम मैंने डिफाइन कर दिया है माई प्लेन क्लास में। तो ठीक वही जिस एलिमेंट पर आप एनिमेशन लगा रहे हैं उसका ठीक वही नाम यूज किया जाएगा। और अब हम माई प्लेन जो क्लास लिए उस क्लास को हम चेंज करने के लिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे की फ्रेम में, हमेशा जो CSS चेंज करना होता है वो लिखी जाती है। तो यहीं से हमारा एनिमेशन बनता है। और एनिमेशन हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं उस क्लास के अंदर जिसमें हम लगा रहे होते हैं, जिस एलिमेंट में एनिमेशन को यूज कर रहे होते हैं एज ए
एनिमेशन, ठीक है, एलिमेंट को। मैंने कहा इसको 0% पर लेफ्ट इतना हो जाए, बॉटम 0 हो जाए, ये इतना हो जाए, और 50% पर लेफ्ट इतना हो, बॉटम इतना हो, और 100 पर। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो कैसे होगा, मैं चाहता हूँ कि इसको ये देखिए, ये तो अभी कहाँ से आ रहा है ऊपर, ये हमारा दिया होगा, ये ऊपर अभी हमने एनिमेशन चेंज में तो नहीं होता, यहाँ से आ रहा है लेफ्ट। तो इसको हम स्टार्टिंग में ऐसे कर लेते हैं माइनस 23, और चलिए यहाँ भी 23 रख लेते हैं। सेकंड वाले में 50% पर जो होगा वो इतना ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लग रहा है, ये थोड़ा ये देखिए ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, दो दो जगह हमने, यहाँ अगर हमने 36 PS दिया है तो ये इतना क्यों हुआ, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि अगर की फ्रेम में जो भी CSS लिख रहे हैं वो CSS चेंज जो भी चेंज करना चाहेंगे वो यहाँ लिखी होती है। मैं जरा ये स्टार्टिंग में लेफ्ट देता हूँ माइनस 15 PX और बॉटम दे देता हूँ माइनस 36 PX। तो ये कुछ आगे पीछे हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है देखना आप। पहले माइनस 15 ले रहा है, उसके बाद आगे बढ़ा 50% पर, आपने जैसे चेंज कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा करके देख लेते हैं, माइनस 200 देख लेते हैं लेफ्ट, ये देखिए माइनस 200, फिर बैक आ गया, मतलब माइनस 200 तक गया वो, बॉटम ने 36 कर दिया, बॉटम सेम रख रहे हैं। 100% हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट जो है वो 1110 पर पहुंच जाए PX पे, और बॉटम जो है 240 रहे, यानी कि बॉटम जो है बढ़ जाए। यहाँ PX लगा देता हूँ, तो देखिए आगे गया, ये यहां से ऐसे उड़ेगा, देखिए ये उड़ना नहीं, थोड़ा देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ CSS की जो पोजीशन है वो चेंज करनी होती है, ये सॉरी इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज करनी होती है। तो यहां मैंने क्या किया, अब इसको आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, यानी मैं इसको अगर हटा के दिखाऊं तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये काम नहीं करें, जितने आपने CSS लिए उतना ही लेगा ये, ठीक है, माइनस 15 PX लेफ्ट से, और ये गया यहाँ तक, देखिए मैंने एक चेंज किया बस यहाँ तक आएगा। अब मैं 100 पर क्या करूँगा, उसको और आगे लेकर जाऊँगा, ये देखिए ये, और मैंने इसको जो बॉटम था ऊपर उठा दिया मैंने, ये देखिए एरोप्लेन उठ गया ऊपर, ठीक है। ये हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करें, पहले एनिम यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो हम दिखा देते हैं कि ये देखिए हमने क्या किया, लीनियर, लीनियर मतलब एक समान चलेगा वो, इसकी जो स्पीड होगी एक समान होगी। फॉरवर्ड, मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ समझाई थी, फॉरवर्ड मतलब होता है कि वो पीछे नहीं आएगा, सिर्फ आगे जाएगा, और आगे जाकर जो भी आपने CSS चेंज करने के लिए लेफ्ट और बॉटम दिया वो वहां जाकर रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको भी हम माइनस 50 रख लेते हैं, जो 0% में CSS दिया उसको यहीं रख लेते हैं। अब देखिए ऊपर जाएगा, ये गया फॉरवर्ड मतलब वो आगे जाकर रुक जाएगा, यहाँ देखो जितना हमने उसको दिया था लेफ्ट वहां पर रुक गया। इसको चेंज करके देख लेते हैं, लेफ्ट चेंज करते हैं, देखते क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इतना रॉकेट साइंस नहीं था, सिर्फ आपको एलिमेंट की जो पोजीशन है वो चेंज करना था, लेफ्ट बॉटम कहाँ रखना है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ मैं चेंज करके थोड़ा देख लेता हूँ, अगर आपने 20-30 एनिमेशन अगर अपने माइंड से बना लिए तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं।
पांच छह प्रॉपर्टीज है, पांच छह सात ऐसी प्रॉपर्टीज है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको जरूर देखें, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जरूर देखें, सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, HTML CSS के पर ट्यूटोरियल बनाए मैंने दोनों, और वेब डिजाइनिंग पर भी ये समझ लीजिए वो बेसिक है उसमें, उसके बाद ये बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अगर आप वो देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आपका एनिमेशन भी और वेब डिजाइनिंग जो भी आप करना चाहते हैं उसका बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, और पेज भी आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो अभी जारी है वो भी। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी पहले भी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर फॉर्म क्या करेगी, इसको जो ये एलिमेंट है इसकी, देखिए यहाँ क्या करेगी वो, मैं एक स्क्यू लगा देता हूँ, स्क्यू मतलब होता है झुकना, आपको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग झुकना है की तरफ या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग झुकना है, तो उसका काम करेगा उसमें। मैं यहाँ पर एक इमेज एक इमेज और ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक इमेज ले लिया पर क्लाउड की, तो देखिए कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है आप एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, आप बहुत शानदार भी बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है जितनी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ एक क्लाउड लगा दूँ, और उन क्लाउड से होता हुआ एक मेरा एरोप्लेन जाए, फिर देखिए कितना शानदार लगेगा, तो इमेज मैंने पहले सेव की हुई है, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, देखिए एरोप्लेन जाएगा इन क्लाउड्स के बीच में से, ये देखिए ये गया, कह सकते हैं कि उसकी साइड में शो कर गया, देखिए डिपेंड करता है आप पर। अब देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, क्या किया हमने, दो इमेज ली सिंपल, उसकी पोजिशन चेंज कर दिया, बस ये एनिमेशन हो गया, और CSS हम चेंज करें की फ्रेम का यूज करते हुए, और देखने में लगता है पता नहीं क्या चीज होगी, कि हमारे बस की बात नहीं, कितना आसान था, देखो फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड हमने 10 सेकंड जो लिया वो एनिमेशन को हमने क्या किया कि कितने टाइम में ड्यूरेशन है वो, कितने टाइम में एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है, वो आपको आगे पीछे कर सकते हैं, 10 को कम करेंगे तो वो उतने ही जल्दी कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और मैं अलग अलग तरीके से वीडियोस इस पर बनाऊं ताकि आपको एक अच्छा हेल्प मिल सके, आइडियाज मिल सके। आई होप आपको काफ़ी मिल गए होंगे, ये हमारा 6th वीडियो है, तो देखिए मैं यहाँ चेंज करके दिखा देता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का नंबर जो अगर आप सेकंड से जो कम करेंगे उतना ही जल्दी वो कंप्लीट करेगा एनिमेशन, और अगर आप बढ़ाएंगे उसको ज़्यादा करेंगे तो उतना ही समय वो लेगा, नहीं लेट होगा, आप पे डिपेंड करता है क्या करना है। ट्रांसफॉर्म मैंने प्रॉपर्टी बता चुका आपको, दूसरे ट्यूटोरियल में बताया मैंने, तो वहाँ कृपया आप वहाँ देखें। मैं ले लेता हूँ एक ट्रांसलेट, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जो सॉरी ट्रांसलेट अभी ये ले लेते हैं, ट्रांसलेट ले लेते हैं, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो इसकी पोजीशन है उसको जैसे चलिए मैं स्केल ले लेता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, स्केल वाली ले लो, इसका स्केल चेंज करना हो तो आप एक स्केल का यूज करेंगे, और उसमें स्केल आप चेंज करते हैं, 1.0 लिया, या थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा स्केल क्या है। स्केल क्या होता है कि उसकी विड्थ और हाइट को डिफॉल्ट हो जाए, दोनों चीज मतलब एक इमेज को बड़ा कर रहा है वो, यहाँ क्यों नहीं चल रहा है देखते हैं, क्यों ये चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 1.2.1 करके देखें, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी आगे बढ़ेगा देखिएगा, चलिए देखिएगा 10px और 10px दो कोऑर्डिनेट हो गए, ये स्केल अभी थोड़ा ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12px लेकर देखता हूँ मैं, 12px ठीक है, 12px यानी px लेकर देखता हूँ ये काम करेगा नहीं करेगा, नहीं अभी भी नहीं कर रहा है, इसका साइज बढ़ना चाहिए था, कम ज़्यादा होना चाहिए, स्केल का मतलब होता है कि जो इसका साइज है
एलिमेंट का वो कम ज़्यादा होना चाहिए। फिर से करके देखते हैं 2 पॉइंट, देखते हैं ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, स्केल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए ये बड़ा है, आप देखिए आई थिंक वो जितना हमने उसको दे रखा है पहले से, देखिए 2 पॉइंट, अब देखिए मैंने कम किया है तो वो कम हो रहा है। हाँ चल तो रहा है, कम ज्यादा देंगे अगर ना स्केल तब उससे आइडिया मिलेगा हमको। 0.1 लेके देखते हैं क्या होता है। ओके देखिए स्केल, देखिए 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 यहाँ पर इमेज कितनी कम होती जा रही है। देखिए ये इस तरह से शो होगा, ये देखिएगा, ये देखिए, तो यहाँ पर आप स्केल भी शो कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी है मैंने पहले भी यूज कर चुका हूँ काफ़ी, इसमें स्क्यू होता है, ट्रांसलेट होता है, स्केल होता है,